रियासत मगरबी बंगाल पर छाया डेंगू का कहर। 15,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं। सुबह सारदिया, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। आज दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गार्डन रीच रामनगर मोड़ के करीब सोशल एक्टिविस्ट लारिद मोमिन द्वारा आवाम के बीच डेंगू से बचने के लिए गुड नाइट फास्ट कार्ट किट तकसीम किया गया और सेफ्टी के लिए मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्या कहना है सोशल एक्टिविस्ट लारिद मोमिन का इस प्रोग्राम को लेकर, आगे वीडियो में देखें। ये जो है आपका डेंगू अभी पूरा बंगाल में फैल रहा है। 239 केसेस आ गया है डेंगू का, तो ये अपने घर में जरूर करें सब आदमी को। लारिद मोमिन साहब, आज दुर्गा पूजा आज से शुरू है, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे शुभ अवसर पे, जो आप डेंगू और जो है कि कोरोना को लेकर आपने भी एक थीम शुरू कर दिया है। वाकई कोरोना के वक्त में आप बहुत काम किया, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लारिद मोमिन, दुर्गा पूजा को एक ऐसा पूजा मैं देखता हूँ कि ये वेस्ट बंगाल का नहीं पूरा देश का सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। पूजा में बहुत आदमी को आपने देखा होगा जो कपड़े बाँट रहे हैं, जो लुंगी बांट रहे, जो साड़ी बांट रहे। मैंने सोचा कि क्यों ना, डेंगू बहुत फैल रहा है हमारे देश में हर जगह। वेस्ट बंगाल में अभी प्रेजेंट 239 केसेस है इन दिस ईयर। आंध्र प्रदेश में मोर देन 1000 केसेस है। एवरी सेकंड द केसेस इज इंक्रीजिंग। तो मुझे लगा क्यों नहीं डेंगू का एक प्रिकॉशन थीम चलाते हैं, सब भाइयों को बताते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में कि डेंगू आज देश का एक सबसे बड़ा मसला बन सकता है, तो क्यों नहीं उस मसले को ऊपर बढ़ने से पहले ही हम उसको ख़त्म कर दें। तो ख़त्म हम कैसे करेंगे, ये हमने अपने भाइयों के बीच में बांटा है। ये आपका एक पैकेट आता है, जंबो पैकेट। ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, पर ये क्या है, बस एक अवेयरनेस है कि डेंगू देश में फैल रहा है, आप डेंगू से बचे। और जैसे हमने कोरोना पे विजय पाया, वैसे डेंगू से भी विजय पाएं। और जो भी कोरोना अभी ख़त्म हुआ है, आप ये ना समझे कि कोरोना पूरा ख़त्म हो गया है। अगर उसका लिटिल बिट भी इफ़ेक्ट है, तो इसलिए मैंने मास्क भी बांटा है, और मास्क आप पहन के रहें ताकि आप देखिए, पूजा इज़ हेल्दी पूजा। पूजा क्या है, हम इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट इन हेल्दीनेस और उसके बाद प्रिकॉशन इन हेल्दीनेस। मोमिन, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से आपने COVID-19 में ग्राउंड जीरो पे लोगों के बीच जाकर COVID-19 के अवेयरनेस के प्रोग्राम को जगाया, लोगों की ज़रूरतमंद लोगों को दवाई तक पहुंचाया, खाने के सामान को पहुंचाया, क्या जहन में आई बात जो आप पूजा के दौरान जो है कि डेंगू जो कि बहुत बड़ा मसला है वेस्ट बंगाल स्टेट का, उसको लेकर आपने थीम बनाया? जी देखिए, मुझे नहीं पता क्या मैं वो पहला इंसान हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस ज़मीन पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ अभी तक डेंगू के मसले पे ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहा है। और अगर आपको पता हो तो मेटिया ब्रुज से ही पहला डेंगू का केस निकला है। ये शायद किसी को पता नहीं है, बट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिपोर्ट। यू कैन चेक, आप जो भी हैं इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखा गया लारिद के हावड़ा में भी एक मौत हुई है, और हुगली में एक नर्स की मौत हो जाती है, बांसदुरोनो में भी बहुत सारे, मैंने देखा जाए तो जिस पर मेयर ऑफ कोलकाता फिराद हकीम ने भी बहुत ही हेल्दी स्टेप्स लिया है ताकि पूजा के दौरान लोगों को आसानी हो सके। जी बॉबी अंकल, जो फिराद हकीम अंकल है, हमारे गाइड, मेरे नेतृत्व और जो मेरी नेता है ममता बनर्जी जी, वो आज से नहीं, वो शुरू से हर एक बीमारी जो पैदा होता है उससे पहले वो ख़त्म करना चाहती है। तो आप ये समझ के चलिए मैं उनके राह पे चल रहा हूँ, और अपने भाइयों को जोड़ के उस राह पे चलाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम बड़ा हो उससे पहले ही ख़त्म कर देते हैं। डेंगू को लेकर जो देखा गया है कि पूजा में लोगों का एक रश होगा, उस पर आपका COVID-19 को एक फॉलो अप करना कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, मास्क बहुत जरूरी है, डिस्टेंस बनाकर रखना जरूरी है, ये कैसे प्लानिंग में आया लारिद मोमिन, आप बताएं? जी देखिए क्या हो रहा है ना, कोरोना खत्म हुआ, फर्स्ट फेज खत्म हुआ तो हमने सोचा कि सब खत्म हो गया, चलिए अब हम लोग सुकून से। पर सेकेंड फेज भी आया ना, ऐसे क्या है, थर्ड फेज भी आ सकता है। पर
उसको नहीं लाने से अच्छा है कि हम प्रिकॉशन लें, हम मास्क पहने, हम सैनिटाइज़र यूज़ करें। देखिए ये तो हमारा सेफ्टी है ना, ये तो ये नहीं है कि मास्क पहनना गंदगी है या सैनिटाइज़र गंदगी है। सेल्फ क्लीनलीनेस जो है वो हमारे देश को ज़रूरत है, और हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। पूजा की आज पूजा की शुरुआत है, तो क्या देश के बंगाल की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, देश की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेगा लारे मोमिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट? एज अ सोशल वर्कर मैं यही आवाम को बताना चाहूँगा कि हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, इन्जॉयमेंट करें। पूजा है, मैं खुद इन्जॉय करता हूँ, ये मेरा लाइफ का सबसे अच्छा पल में से एक पल होता है, लेकिन इन्जॉयमेंट को ख़तरा ना बनाएं। आप अपना सेफ्टी और प्रिकॉशंस खुद लें, ताकि आप बचोगे तो पूरा देश बचेगा। पहला शुरुआत खुद के घर से। शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे लारे मोमिन कुछ अवेयरनेस स्टेप्स को लेकर, डेंगू को लेकर और कोविड-19 को लेकर? चूँकि पूजा का जो त्यौहार है बंगाल में बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और पूरे बंगाल में नहीं हिंदुस्तान में पूरा दुनिया देखता है, तो क्या अवेयरनेस के लिए लारे मोमिन क्या अवेयरनेस प्रोग्राम पर पैगाम देना चाहेगा? देखिए मैंने कलकत्ता में देखा है कि कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करता हूँ मैं, ये कोई भी नाला या कोई भी गंदगी रखते नहीं है। हमारे जितने भी काउंसिलर्स मेरे जो भाई हैं वो सब साफ़ सुथरा हर जगह रखते हैं, लेकिन अगर आप खुद गंदगी फैला रहे हो तो आप उस गंदगी को खुद साफ़ करो, क्योंकि आपका जो नीति है पहले आपके ऊपर जाता है। अगर बीमार पड़ोगे उस गंदगी से, आप पहले पड़ोगे, बाद में कोई और पड़ेगा। तो मैं यही बार बार बोलता हूँ कि पहला आप अपने सेफ रहें, बाकी दुनिया खुद सेफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खड़े रहो। तो आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, रामनगर पूजा पंडाल के पास से ही लारे मोमिन की, लारे मोमिन जो कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है, उसकी ये कोशिश कि आज से चूँकि पूजा शुरू हो रहा है और पूजा के दौरान लोग कोविड और डेंगू से पूरी तरह अवेयर रहें, ताकि किसी किस्म का भी आने वाले वक्त में किसी बीमारी में मुब्तला ना हो जाए। चूँकि डेंगू बीमारी देखा गया बहुत बड़ा मसला बन गया आज बंगाल के लिए, लिहाजा डेंगू से बचने के लिए लारे मोमिन की ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छा पैगाम है पूरे बंगाल के आवाम के लिए। और आज पूजा की शुरुआत है, और लारे मोमिन का यही कहना है कि पूजा जो है पूरे धूमधाम से मनाएं और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें। आप बने रहें द लोकल जलिस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन ग्लोज इन टू वेज, ए यूजिंग फिल्टर्स और बी वाटर। बहामास, feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियाँ बांटे, उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के। वी कैन गिव यू द फ्रेश वन और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।